गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कल हमने हमारा फर्स्ट पेपर का हर्ड मानिया टॉपिक स्टार्ट किया था। देखिए, कल हमने अब जब चर्चा की तो मैंने आपको बताया था कि हमारे फर्स्ट पेपर के यूनिट फर्स्ट है उसमें दो पोर्शन है। यूनिट फर्स्ट में दो पोर्शन है। पहला जो पोर्शन है वो तो क्या है, हमारा एनिमल है, जिसमें हमें तीन एनिमल के बारे में पढ़ना है। और सेकंड जो हमारा पोर्शन है उसमें हमें संघ कोऑर्डेटा की विभिन्न क्लास को पढ़ना है, वर्क को पढ़ना है। देखिए, कल भी मैंने बताया था, वापस मैं रिवाइज कर रहा हूं कि हमने जो कल बताया कि फर्स्ट ईयर में हमने संघ को पढ़े थे, लेकिन सेकंड ईयर में हमारे क्या है कि इस बार हमारे सेकंड ईयर के अंदर जितने भी टॉपिक है उसमें सारे वर्ग है। अब देखिए, हमारी सबसे बड़ी बात क्या है कि हमें किसी भी जंतु के बारे में वो पढ़ना है और उसके सारे स्ट्रक्चर को इन यूनिट में बताना है। तो हमारा जो पहला टॉपिक था वो था हर्ड मानिया। देखिए, हर्ड मानिया हमने कल स्टार्ट किया था और हमने इसके डायग्राम तक पढ़ लिया था। अब हम इसे आगे पढ़ते हैं। अब देखिए, हमने जो कल टॉपिक स्टार्ट किया था उसमें हमने क्या बताया था कि हर्ड मानिया का जो शरीर होता है वो सामान्य एक आवरण या चोल में कैद होता है, जिसे हमने कहा था टेस्ट। देखिए, हिंदी में इसको सामान्य भाषा में चोल कहते हैं, और अगर आप इसका कॉमन नाम जानना चाहें तो आप इसको आवरण भी कह सकते हैं कि आवरण के अंदर इसका शरीर पूरा क्या होता है, कैद होता है। और ये जो आवरण है ये बेसिकली किससे मिलके बना होता है, कैल्शियम से, अर्थात कैल्शियम कार्बोनेट का एक आवरण होता है जिसमें क्या होता है, इस जंतु का जो शरीर होता है वो क्या होता है, कैद होता है। अब इसके शरीर में दो छिद्र पाए जाते हैं, जिनमें से पहला जो छिद्र होता है वो होता है ब्रैंकियल एपर्ट्योर, और उसमें सबसे बड़ी जो विशेषता होती है कि ब्रैंकियल जो एपर्ट्योर है या ब्रैंकियल जो छिद्र है वो क्या करता है कि मुख का काम करता है, अर्थात ये जो पोर्शन होता है ये इसके मुख का काम करता है। अर्थात क्योंकि हम जानते हैं कि जब भी शरीर में हमने आहार नाल के टॉपिक पढ़ा है तो हमने बताया है कि आहार नाल के दो पोर्शन होते हैं, पहला तो होता है मुख और अंतिम पोर्शन क्या होता है, गुदा होती है। क्योंकि एक जगह से भोजन अगर शरीर में प्रवेश कर रहा है तो दूसरे जगह से क्या होगा, वो वापस बाहर निकलता है। अब देखिए, हर्ड मानिया के शरीर में इस प्रकार के मुख कोई पोर्शन नहीं होता, इसके स्थान पर एक सूक्ष्म छिद्र पाया जाता है जिसको क्या कहते हैं, ब्रैंकियल एपर्ट्योर, या इसको ब्रैंकियल छिद्र भी कह सकते हैं। और ब्रैंकियल छिद्र कहां स्थित होता है, ब्रैंकियल साइफन के अंदर स्थित होता है। अब कुछ वैज्ञानिक, ये विवादास्पद स्थिति है, कुछ वैज्ञानिक इस ब्रैंकियल एपर्ट्योर को मुख मानते हैं, जबकि कहा जाता है ये छिद्रनुमा अनुसंत्र है, इसको इसलिए इसको ब्रैंकियल एपर्ट्योर कहते हैं। और दूसरा जो पोर्शन होता है वो कहलाता है एट्रियल, एट्रियल एपर्ट्योर, या एट्रियल छिद्र कह सकता हूं। और ये कहां है, एट्रियल साइफन, एट्रियल साइफन में। अब देखिए, दो छिद्र इनके शरीर पर उपस्थित है। अब दो छिद्र से क्या होगा, एक छिद्र द्वारा तो क्या होगा, जो भी जल है वो क्या होगा, इनके शरीर में प्रवेश करेगा और दूसरे छिद्र द्वारा बाहर निकलेगा। अगर एक डायग्राम द्वारा समझना चाहे तो मैं कह सकता हूं कि जल ब्रैंकियल छिद्र द्वारा प्रवेश करेगा, अर्थात यहां से आप तीर के निशान से डायग्राम से समझ सकते हैं, होता हुआ वापस क्या होगा, एट्रियल छिद्र द्वारा क्या होगा, बाहर निकलेगा। अर्थात
ब्रैंकियल से प्रारंभ होगा और एट्रियल द्वारा क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। अब देखिए सबसे बड़ी बात क्या है कि इसको समुद्री पिचकारी भी कहते हैं। देखिए इसका कॉमन नाम भी अपने एग्जाम में कई बार आता है कि किस जीव को हम समुद्री पिचकारी कहते हैं, तो ध्यान रखना हर्ड मानिया कहते हैं। अब देखिए प्रश्न आता है कि इसको समुद्री पिचकारी ही क्यों कहते हैं, अर्थात इसको हम जब कहते हैं कि समुद्री पिचकारी तो समुद्री पिचकारी कहने का इसका क्या मतलब है, हम उसको समझ लेते हैं। देखिए अपन ने जब भी पिचकारी चलाई है होली के अंदर, तो आपने देखा होगा पिचकारी में क्या होती है, अपन एक बार पानी भरते हैं और जब एक साथ दबाव डालते हैं तो एक साथ पानी क्या होता है पूरा बाहर निकल जाता है पिचकारी से। फिर अपन क्या करते हैं वापस उसको भरते हैं और वापस क्या होता है वो पानी, अर्थात पानी का जो क्रम होता है वो रुक रुक कर होता है, अर्थात एक धार एक बार निकल गई फिर वापस अपन पिचकारी को भरते हैं फिर वापस अपन छोड़ते हैं। सेम कंडीशन हर्ड मानिया के शरीर में भी होती है। होता क्या है कि जल जब ब्रैंकियल एपर्टियोर द्वारा अर्थात ब्रैंकियल छिद्र द्वारा प्रवेश करता है तो वो क्या होगा, प्रवेश कर रहा जल क्या होगा एट्रियल छिद्र से बाहर निकल गया। अब बाहर निकला तो जल धारा जब वो बाहर निकल रही है तो वो कैसे निकल रही है, वो पिचकारी के रूप में। अब एक बार जल धारा शरीर से बाहर निकल गई इसका मतलब क्या हुआ, वो उस हाइड्रोमानिया के शरीर में पानी क्या हो गया, अब खत्म हो गया। अब वापस पानी आएगा ब्रैंकियल छिद्र द्वारा, वापस बाहर निकलेगा एट्रियल द्वारा, वापस ब्रैंकियल द्वारा आएगा और एट्रियल द्वारा बाहर निकलेगा। इसका मतलब यह एक समुद्री पिच, जिस प्रकार अपन पिचकारी कार्य करती है सेम उसी प्रकार कार्य करती है, इसीलिए इसको सी स्क्वर्ट या समुद्री पिचकारी भी कहते हैं। ये अपना एक नंबर का प्रश्न आया कि किस जंतु को समुद्री पिचकारी कहते हैं, तो ध्यान रखिएगा हर्ड मानिया। अब देखिए कल मैं इसका क्लासिफिकेशन आपको बता चुका हूं कि इसके क्लासिफिकेशन के बारे में मैंने कल आपको चर्चा की थी कि ये जो उपसंग होता है यूरोकॉर्डेटा का होता है, वर्ग इसका एसिडिएसिया है और इसका वंश है जो क्या है हर्ड मानिया है। अब देखिए इस यूरोकॉर्डेटा की जो वर्ग एसिडिएसिया है इसको जो नामकरण है वो अरस्तु ने दिया था। हम अरस्तु के बारे में पहले पढ़ चुके हैं, अरस्तु ने ही इस वर्ग एसिडिएसिया का नामकरण किया था। वर्ग का नामकरण अगर कहूं तो अरस्तु ने किया था, लेकिन इस जंतु का जो नाम है हर्ड मानिया ये नाम वैज्ञानिक हर्ड मान ने दिया था। ध्यान रखा हर्ड मानिया जो नाम है ये वैज्ञानिक हर्ड मान ने दिया था, हर्ड मान ने ही इस जंतु का नाम क्या दिया था हर्ड मानिया दिया था। अब देखिए सबसे बड़ी विशेषता क्या है, अपन इसके देखिए इसी डायग्राम के अंदर ही सब कुछ है, क्योंकि इसी डायग्राम को अगर अपन को समझ में आ गया तो अपने सारे टॉपिक आगे इजी होते जाएंगे। तो अपन ने क्या पढ़ा, इसके शरीर पर दो छिद्र हैं ब्रैंकियल एपर्ट्योर, अगर आप हिंदी में लिखना चाहें तो इसको लिख सकते हैं ब्रैंकियल छिद्र और यहां पर क्या है एट्रियल छिद्र। अब देखिए अब छिद्र के चारों ओर क्या है, छिद्र है जो उसके चारों ओर क्या है एक आवरण है अर्थात उभार है, और जहां ब्रैंकियल छिद्र स्थित है उस पोर्शन को हम क्या कहते हैं ब्रैंकियल साइफन, अर्थात ब्रैंकियल साइफन अर्थात ब्रैंकियल छिद्र जिस जगह स्थित है जिस एरिया के अंदर उसको हम क्या कह रहे हैं ब्रैंकियल साइफन, और दूसरा जो पोर्शन है जहां पर एट्रियल छिद्र उपस्थित है वो हम पोर्शन क्या कहला रहे हैं, वो हम पोर्शन कहला रहे हैं एट्रियल, अर्थात एट्रियल छिद्र जो है जो जहां उपस्थित है वो पोर्शन क्या कहलाता है एट्रियल साइफन। अब इसके बाद नेक्स्ट आता है इसके दोनों छिद्रों के पास में सबसे शरीर का जो मुख्य भाग होता है जिसे हम कहते हैं टेस्ट या चोल। अब देखिए कैल्शियम से मिलके बना होता है और चोल क्या करता है, चोल के अंदर ही सारा शरीर क्या होता है अंदर होता है। अब देखिए टेस्ट के जस्ट नीचे की ओर मेंटल उपस्थित होता है। अब मेंटल को हम सामान्य भाषा में हिंदी में पावार कहते हैं, मेंटल उपस्थित होता है और मेंटल को हम सामान्य भाषा में क्या कहते हैं पावार कहते हैं, अर्थात पावार। अब टेस्ट के जस्ट नीचे मेंटल और मेंटल के जस्ट नीचे क्या होता है इनका शरीर होता है। अब देखिए अब हम जानते हैं, कल मैंने क्लास में चर्चा की थी वापस रिवाइज करा रहा हूं कि हर्ड मानिया जो होता है वो समुद्र की तली में ज्यादा रहना पसंद करता है। अब समुद्र की तली में रहेगा तो अपन को पता है कि कोई भी जीव होता है उसको स्थिर रहने के लिए किसी ना किसी आवश्यक साधन की आवश्यकता होती है, इसीलिए इसके शरीर के सबसे निचले पोर्शन में पैर पाए जाते हैं जिसको अपन फुट कहते हैं या मैं इसको पैर बता सकता हूं।
अब ये जो फूट होते हैं ये एक वैक्यूम की तरह कार्य करते हैं, अर्थात जैसे किसी स्थान पे गए और वहां से क्या हो जाएंगे, चिपक जाएंगे। अब चिपकने का क्यों जरूरी है कि कई बार जब हार्डमानिया तेज लहरों में भोजन करता है तो चूंकि लहरें चल रही होती है तो अपन को पता है कि लहरों के अंदर वेग होता है और वो किसी भी जीव को आगे पीछे कर सकता है। तो जब ये किस भोजन के लिए ऊपर नीचे होता है, तब लहरें है तो ये क्या करता है, वो अपने फुट की सहायता से क्या होगा किसी स्थान पे चिपक जाएगा और आसानी से क्या होगा अपना जीवन यापन कर सकता है। अब देखिए होता क्या है कि ब्रैंकियल छिद्र थोड़ा ऊपर की ओर होता है, अर्थात मैं कहूं तो ये जो पोर्शन होता है एक ढलान की ओर होता है, एक ढलान की ओर होता है, अर्थात ब्रैंकियल छिद्र ऊपर की ओर और एट्रियल छिद्र नीचे की, थोड़ा नीचे की ओर होता है, अर्थात जो भी जल आएगा वो क्या होगा एक प्रेशर से वापस क्या होगा बाहर निकल जाएगा, क्योंकि अपन ने देखा है कि ढलान के अंदर कोई भी चीज होती है वो तेजी से लुढ़कती है, अर्थात जो जल होगा वो ब्रैंकियल साइफन द्वारा प्रवेश करेगा और ब्रैंकियल छिद्र थोड़ा ऊपर की ओर और एट्रियल छिद्र थोड़ा नीचे की ओर स्थित होता है। अब इसका जो सामान्य स्ट्रक्चर है उसमें क्या थे, वापस रिवाइज कर रहा हूं, ब्रैंकियल एपर्टर, एट्रियल और पावर मेंटल, नेक्स्ट फुट और चोल। अब देखिए सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि जलीय जीव है समुद्री। अब देखिए इसमें भोजन भी क्या होगा ब्रैंकियल छिद्र द्वारा ही शरीर में प्रवेश करेगा और श्वसन के लिए जो ऑक्सीजन है वो भी क्या होगी जल के साथ इसी ब्रैंकियल छिद्र की सहायता से प्रवेश करेगी। अब देखिए होता क्या है कि जब ये जल में रहता है तो आपन को पता है कि ये एक सूक्ष्म जीव के आकार, सूक्ष्म जीवों का जैसे शैवाल है, डायटम्स है, या सूक्ष्म जीवों को भोजन के रूप में ग्रहण कर रहा है। अब जल के साथ क्या होता है, जब इसके शरीर में भोजन प्रवेश कर रहा है तो जरूरी नहीं हो कि वो भोजन छोटे ही सूक्ष्म कण, अर्थात हो सकता है वो बड़े कण भी हो सकते हैं। तो क्या होता है कि इसके जो ब्रैंकियल छिद्र होते हैं इसके ऊपर एक छलनी नुमा संरचना पाई जाती है, छलनी नुमा संरचना पाई जाती है। उस छलनी नुमा संरचना का कार्य क्या होता है, उस छलनी नुमा संरचना का मुख्य कार्य ये होता है कि भोजन के सूक्ष्म कणों को तो वो शरीर के भीतर दाने देती है और बड़े आकार के भोजन के कणों को वो शरीर में प्रवेश करने से क्या होती है रोक देती है। इसका मतलब एक छलनी नुमा संरचना भी ब्रैंकियल छिद्र पर पाई जाती है जो भोजन के सूक्ष्म कणों को क्या है शरीर में प्रवेश करने देती है। तो अब जो अभी तक अपन ने क्या पढ़ा, दो छिद्र पढ़े ब्रैंकियल, एट्रियल, मेंटल और ये। अब आता है हर्डमानिया जो होता है वो उभयलिंगी होता है। देखिए अपन ने अभी तक एक लिंगी पढ़ा था, अर्थात नर मादा जननांग अलग अलग जीव पर होते हैं। अब हर्डमानिया की क्या विशेषता होती है, हर्डमानिया की विशेषता होती है कि ये उभयलिंगी होता है, अर्थात एक ही जीव पर नर और मादा दोनों जननांग उपस्थित होते हैं, अर्थात नर और मादा जननांग दोनों उपस्थित होते हैं। तो अब अपन एक एक पॉइंट वाइज इनको लिखते रहते हैं जो अपन आसानी से समझ सकेंगे। देखिए हर्डमानिया का जो नामकरण है वो हर्डमान ने किया, पहला पॉइंट हर्डमानिया का जो नामकरण है वो किसने किया, हर्डमान ने किया। सेकंड पॉइंट जो है हर्डमानिया के शरीर पर दो छिद्र उपस्थित होते हैं, और अपन को ये पॉइंट वाइज पढ़ने हैं क्योंकि देखिए जो चीज अपन यहां पढ़ रहे हैं यही हमारे वापस प्रैक्टिकल में भी ध्यान रखेगा। तो हर्डमानिया के शरीर पर दो छिद्र उपस्थित होते हैं, पहला छिद्र कौन सा है ब्रैंकियल एपर्टर, दूसरा कौन सा है एट्रियल छिद्र। और अगर अपन हिंदी में लिखना चाहते हैं तो अपन हिंदी में लिख सकते हैं ब्रैंकियल छिद्र और एट्रियल छिद्र। तो मैं अभी यहां हिंदी का प्रयोग, ब्रैंकियल और एट्रियल छिद्र, पहला छिद्र कौन सा है ब्रैंकियल छिद्र, सेकेंड है एट्रियल छिद्र। अब देखिए वापस बता रहा हूं, ब्रैंकियल छिद्र क्या करता है, मुख का कार्य करता है, ब्रैंकियल छिद्र है वो क्या करता है मुख का कार्य करता है, जबकि एट्रियल छिद्र क्या करता है गुदा का कार्य करता है, अर्थात ब्रैंकियल छिद्र मुख का और एट्रियल छिद्र क्या कर रहा है गुदा का कार्य कर रहा है, अर्थात एक पोर्शन द्वारा जल शरीर में प्रवेश कर रहा है, दूसरे पोर्शन द्वारा जल क्या है शरीर के बाहर निकल रहा है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट, हर्डमानिया उभयलिंगी होता है, उभयलिंगी होता है,
अर्थात इसमें क्या है, नर और मादा जननांग, नर और मादा जननांग क्या है, दोनों एक ही जीव पर पाए जाते हैं। अब देखिए दोनों जननांग एक ही जीव पर पाए जा रहे हैं, इसका मतलब क्या है, मैं आपको एक सिंपल बताऊं कि इसमें नर जननांग होगा तो नर जननांग में वृषण द्वारा क्या होंगे, शुक्राणुओं का निर्माण होगा। मादा जननांग है तो मादा जननांग में क्या होगा, अंडाणुओं का निर्माण होगा। अब शुक्राणुओं का निर्माण शुक्र जनन प्रक्रिया, अंडाणुओं का निर्माण अंड जनन प्रक्रिया द्वारा होता है। अब देखिए सबसे बड़ी क्या बात है कि शुक्राणु और अंडाणु का निर्माण इसमें एक ही जगह हो रहा है, लेकिन इनमें निषेचन आंतरिक नहीं होता है। सबसे बड़ा पॉइंट क्या है, निषेचन आंतरिक नहीं होता, अर्थात एक ही जीव में शुक्राणु और अंडाणु दोनों बन रहे हैं लेकिन निषेचन बाह्य हो रहा है, अर्थात उभयलिंगी होने के बाद भी इनमें जो निषेचन होता है वो क्या होगा, बाह्य होगा। निषेचन बाह्य होगा। अब देखिए निषेचन बाह्य का मतलब क्या है कि हर्डमानिया का, अब देखिए बाह्य निषेचन का मतलब क्या है ये समझिए कि हर्डमानिया में पहले अंडाणु होंगे वो बाहर निकलेंगे फिर वापस शुक्राणु बाहर निकलेंगे। अब देखिए अब आपका एक प्रश्न मन में आ रहा है कि अंडाणु और शुक्राणु बाहर कैसे निकलेंगे। देखिए हमें पता है कि ब्रैंकियल छिद्र की सहायता से जल प्रवेश कर रहा है, अब क्या होंगे जो अंडवाहिनी और वेस्ट डिफरेंस शुक्रवाहिका है, अंडवाहिनी और शुक्रवाहिका जो होगी वो क्या करेगी, अंडवाहिनी कर्मश अंडाणुओं को और शुक्रवाहिका जो है कर्मश शुक्राणुओं को कहां पहुंचाएगी, एट्रियल साइफन में, और एट्रियल साइफन में पहुंचाने के बाद यह शुक्राणु और अंडाणु जल धारा के साथ शरीर से क्या हो जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे। अब देखिए सबसे बड़ी क्या होती है, इसमें एक जायांग पूर्विता पाई जाती है, जायांग पूर्विता पाई जाती है। कई बार ये पूछा जाता है कि जायांग पूर्विता क्या होती है, अर्थात जायांग पूर्विता का मतलब क्या होता है कि देखिए हर्डमानिया जो है उसमें क्या होता है, जायांग पूर्विता पाई जाती है। इसका मतलब हर्डमानिया में जो क्या होता है कि जननांग जो होते हैं वो समय से पूर्व ही क्या हो जाते हैं, वो विकसित हो जाते हैं। अर्थात देखिए जायांग पूर्विता का मतलब है कि इसमें जो मादा जननांग है वो जीव में पहले विकसित होते हैं और नर जननांग है वो वयस्क अवस्था में आने पर विकसित होते हैं, इसी को जायांग पूर्विता कहते हैं। अर्थात कहने का मतलब क्या है कि मादा जो जननांग होते हैं वो इसमें पहले जैसे जीव जन्म लेता है कुछ समय बाद उसमें मादा जननांग विकसित हो जाते हैं, अर्थात वो परिपक्व हो जाते हैं। लेकिन अब मादा जननांग परिपक्व है उसमें अंडाणुओं का निर्माण तो हो सकता है, लेकिन जो शुक्राणु वाला पोर्शन है वृषण वो वयस्क, जब तक जीव वयस्क नहीं होता वो क्या होगा, अपरिपक्व। अर्थात मादा जननांग है वो तो जीव के जन्म लेने के कुछ समय बाद ही परिपक्व हो रहे हैं, लेकिन जो नर जननांग है वृषण वो वयस्क होने के बाद ही विकसित होते हैं, अर्थात इसीलिए इसको जायांग पूर्विता जंतु भी कहते हैं। कई बार ये प्रश्न आएगा देखना कि जायांग पूर्विता क्या होती है, जायांग पूर्विता का मतलब किस जीव में होती है, तो हर्डमानिया। हर्डमानिया में क्या होता है कि जो जीव के जन्म लेते ही मादा जननांग तो विकसित हो गए लेकिन नर जननांग वयस्क होने के बाद विकसित होते हैं। अब देखिए अगर ये दोनों ही एक साथ विकसित हो जाए तो क्या होगा, और देखिए अगर दोनों ही विकसित हो जाएंगे तो हम जानते हैं निषेचन प्रक्रिया हो जाएगी। इसका मतलब क्या है कि जब तक नर जननांग विकसित नहीं होते हैं जंतु प्रजनन नहीं कर पाता है। इसका मतलब जायांग पूर्विता का मतलब क्या है, भले मादा जननांग पूर्ण विकसित हो गए नर जननांग विकसित होने के बाद ही इसमें क्या होगा, प्रजनन होगा। तो इसका मतलब क्या होता है, जायांग पूर्विता पाई जाती है। और इसमें क्या है, मादा जननांग है वो तो क्या है जन्म के कुछ समय बाद ही परिपक्व हो जाते हैं और नर जननांग होंगे वो बाद में अपरिपक्व होते हैं। अब देखिए सबसे बड़ी इसमें एक पॉइंट और है, कि जब जंतु अवयस्क होता है अर्थात जंतु अभी वयस्क नहीं हुआ है तो क्या होंगे, नर जननांग होंगे वो आकार में छोटे होंगे, आकार में छोटे होंगे और हल्के लाल रंग के होंगे। देखिए जब जीव वयस्क नहीं हुआ है तो नर जननांग कैसे हैं, आकार में छोटे
और हल्के लाल रंग के, लेकिन इन जननांग से शुक्राणुओं का निर्माण नहीं होगा। लेकिन मादा जननांग है, वो मादा जननांग होते हैं, वो क्या होंगे, गहरे लाल रंग के होते हैं, गहरे लाल रंग के होते हैं। अब देखिए क्या होता है कि वैज्ञानिक जो इनका जनन काल है, अर्थात वैज्ञानिक ये पता करना चाहते हैं कि भाई ये अभी बच्चे हैं कि ये वयस्क हो चुके हैं, इनके जननांगों को देखकर, इनके जननांगों को देखकर पता लगाया जा सकता है कि जीव वयस्क है कि अवयस्क है। अब कैसे, ये चीज समझिए। देखिए मैंने क्या बताया, नर जीव अभी जब अवयस्क है, नर जीव जब अवयस्क है, इसका मतलब क्या है, उसके जो जननांग होंगे वो आकार में छोटे और हल्के लाल रंग के होंगे, और मादा जननांग जो क्या है, वयस्क है, वो क्या है, गहरे लाल रंग के। लेकिन जैसे ही जंतु वयस्क होगा, अब वयस्क होने पर क्या होगा, इन दोनों जननांगों का रंग है वो परिवर्तन हो जाएगा। अब होगा क्या, जो नर जननांग थे जब अवयस्क थे, छोटे थे, तब तो क्या था, आकार में छोटे थे और हल्के लाल रंग के। अब जब ये वयस्क हो जाएंगे तो ये नर जननांग आकार में बड़े, आकार में बड़े व ईंट के रंग के, अर्थात लाल रंग, ईंट के रंग के हो जाते हैं। अर्थात ईंट का रंग मैं कह सकता हूं गहरा लाल। अर्थात जब ये जीव अवयस्क था तो आकार में छोटा और हल्का लाल रंग का था, लेकिन जैसे ही जीव वयस्क हो गया, आकार में इसके जननांग बड़े हो जाएंगे और कैसे होंगे, ईंट के रंग जैसे कि गहरे लाल का। अब यहां मादा जो पहले जिसके जननांग गहरे लाल रंग के थे, अब जैसे ही नर वयस्क हो रहा है, इसका रंग परिवर्तित होके कैसा हो जाएगा, गुलाबी, गुलाबी। और जब इसका रंग गुलाबी हो जाएगा तो इसका मतलब मादा वयस्क अवस्था में हमेशा गुलाबी रंग में चली जाती है। इसका मतलब जीव जो है वो दो रंगों से पहचाना जाता है, अर्थात जीव को सामान्यतः दो रंगों से पहचाना जा रहा है, जिसमें नर है वो आकार अवयस्क में, आकार में छोटे लाल रंग के, और जब वो वयस्क होते हैं तो आकार में बड़े वो ईंट के गहरे लाल रंग के। मादा प्रारंभ में गहरे लाल, कुछ नेटवर्क एरर के कारण समस्या हो गई थी। अब जो नर जननांग है वो बेसिकली वापस रिवाइज कर रहा हूं, नर जननांग प्रारंभ में आकार में छोटे हो रहे हैं और बाद में क्या हो जाएंगे, बड़े हो जाएंगे। तो अभी अपन ने हर्डमानिया में देखिए, हर्डमानिया की विशेषता क्या, ये सारे टॉपिक सरल है तो अपन ने हर्डमानिया में वापस रिवाइज करते हैं। अब इसके बाद इसके सामान्य जो चर्चा है उस पर करेंगे। तो हर्डमानिया की क्या विशेषता है, इसमें दो प्रकार के साइफन पाए जाते हैं, ब्रेंकियल एट्रियल। ब्रेंकियल साइफन है वो मुख का काम कर रहा है, एट्रियल साइफन गुदा का पोर्शन कर रहा है। शरीर के चारों ओर एक चोल होता है। अब देखना पैर वाले पोर्शन में चोल नहीं होगा, अर्थात पैर वाले पोर्शन में चोल नहीं, चोल के अंदर चला जाएगा वापस बाहर निकल जाएगा। पैर की सहायता से ये क्या होगा, कहीं भी चिपक सकता है। अब यह उभयलिंगी होता है, नर और मादा जननांग एक ही जीव पर पाए जाते हैं। अब इसमें जायांग पूर्विता पाई जाती है। जायांग पूर्विता का मतलब है समय से पूर्व ही मादा जननांग परिपक्व हो जाते हैं। लेकिन मादा जननांग परिपक्व भले ही हो, नर जननांग अभी तक परिपक्व नहीं हुए, इसीलिए निषेचन नहीं हो पाता है। और नर जननांग है वो प्रारंभ में जब अवयस्क है तब आकार में छोटे लाल रंग, लेकिन जैसे ही वो वयस्क होगा गहरे हो जाते हैं, और मादा का रंग पहले गहरा लाल फिर क्या होगा, गुलाबी हो जाता है। अब आता है टेस्ट की कोशिकाएं। अब चोल क्या होता है उसके बारे में अपन पढ़ते हैं। अब हमने दो चित्र के बारे में पढ़ लिया,
ब्रेंकियल एट्रियल, ब्रेंकियल और एट्रियल छिद्र के बारे में हमने पढ़ लिया है और हमने ये बताने की कोशिश की कि ब्रेंकियल और एट्रियल छिद्र का कार्य क्या होता है। अब सबसे जो बड़ी विशेषता होती है, अब देखिए चोल क्या होता है, वो कैल्शियम से बना होता है, अर्थात कैल्शियम कार्बोनेट का एक आवरण होता है। अब इस आवरण का बेनिफिट क्या होता है कि जीव का जो शरीर होता है वो इसके अंदर सुरक्षित होता है। इस टेस्ट के आवरण है जस्ट इसके अंदर की ओर, एक अंदर की ओर बिल्कुल पतला एक और आवरण होता है जिसे हम मेंटल कहते हैं। और मेंटल को हिंदी में कहते हैं पवार। और इस मेंटल के भीतर की ओर विभिन्न प्रकार के जननांग या विभिन्न प्रकार के जो भी शरीर के अंग होते हैं वो क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। अब इसका मतलब क्या है कि इसका जो शरीर होता है वो दोहरी परत से अंदर आवरित होता है, जिसमें सबसे बाहर की ओर टेस्ट, उसके भीतर की ओर मेंटल और उसके अंदर की ओर शरीर है। अब देखिए इसके जो टेस्ट आवरण है उसमें विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं का मतलब होता है कि देखिए ये जो टेस्ट होता है ये एक संवेदी अंग का भी कार्य करता है, क्योंकि अपन को पता है कि सामान्यतः जीव को जब भी किसी जगह रह रहा है तो उसमें विभिन्न प्रकार के संवेदी सूचनाएं उसको प्राप्त होती है। जैसे अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो आपको पता है कि जल का तापमान निरंतर परिवर्तनशील होता है, अर्थात जल का तापमान निरंतर परिवर्तनशील हो रहा है या जल कभी खराब आ जाए तो इसका भी क्या होता है कि जंतु को आवास होना जरूरी है। सपोज दैट कि अगर पानी प्रदूषित हो गया, अब पानी प्रदूषित है अर्थात जल खराब है, अब जीव अगर इसको अपने शरीर के अंदर लेगा तो इससे इसकी मौत हो सकती है। तो क्या होता है कि इसके ब्रेंकियल के ऊपर एक विशेष प्रकार की संवेदी अंग पाया जाता है जो जल की गुणवत्ता की जांच करता है। और हम फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं इस चीज को कि कुछ कई एनिमलों के अंदर वाटर टेस्ट प्लांट भी होता है, अर्थात जल परीक्षण अंग भी होता है, अर्थात सही जल है तो शरीर में प्रवेश करेगा और अगर खराब जल है तो वो बाहरी ब्रेंकियल छिद्र उसको रोक देगा। इसका मतलब जो चोल होता है उसमें विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है, जो कि दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है, एक तो होती है वृहत, एक होती है सूक्ष्म। वृहत कोशिकाएं और क्या होती है, सूक्ष्म कोशिकाएं। अब जो वृहत कोशिकाएं या इसको मैं कह सकता हूं विशेष टेस्ट कोशिकाएं, विशेष टेस्ट कोशिकाएं। अब देखिए हमने पढ़ रखा है शरीर का बाहरी आवरण होता है वो एक्टोड्रम, एंडोड्रम, शरीर का भीतरी आवरण एंडोड्रम और बीच में क्या होती है मीसोड्रम। अब ये जो विशेष टेस्ट कोशिकाएं हैं ये मीसोड्रम से उत्पन्न होती है, मीसोड्रम से क्या होती है, उत्पन्न होती है। और ये कोशिकाएं सामान्यतः छह प्रकार की होती है, अर्थात यह कोशिकाएं कितने प्रकार की है, छह प्रकार की। तो चोल में क्या है, दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है, पहला वृत्त दूसरा सूक्ष्म। अब वृत्त कोशिकाएं कौन सी किससे उत्पन्न हो रही है, मीसोड्रम से, और मीसोड्रम से उत्पन्न होने का मतलब क्या है कि ये संख्या में छह प्रकार की होती है। अब सबसे पहली जो कोशिका होती है वो होती है वृहत इओसिनोफिल कोशिका। देखिए हमने इओसिन को फर्स्ट ईयर के प्रैक्टिकल्स में यूज किया है। इओसिन का जो सामान्य काम होता है वो क्या होता है, अभिरंजन करना, अर्थात यह आकार में, अब देखिए वृहत है तो वृहत का मतलब क्या होता है, आकार में क्या होगी, बड़ी होगी। देखिए नाम से ही स्पष्ट है आकार में बड़ी होगी। अब चूंकि जब कोशिकाएं आकार में बड़ी है तो हमेशा ध्यान रखना वह कोशिकाएं संख्या में हमेशा कम होगी, संख्या में हमेशा कम होगी, अर्थात ये वृहत इओसिनोफिल जो कोशिकाएं होती है ये क्या होता है, संख्या में तो कम है और आकार में क्या होती है, बड़ी होती है। और इओसिन के साथ, इओसिन के साथ, अब इओसिन के कापन को पता है इओसिन का कहां यूज रहा, अभिरंजन। इओसिन के साथ यह धनात्मक अभिरंजन, धनात्मक अभिरंजन
स्टैंडिंग प्रदर्शित करती है। ईयोसीन के साथ क्या होती है, यह धनात्मक अभिरंजन प्रदर्शित करती है। वृहद ईयोसिनोफिल कोशिकाएं, अगर इंग्लिश में लिखना चाहे तो कह सकते हैं लार्ज ईयोसिनोफिल सेल्स। और ये जो कोशिकाएं होती है, एक तो आकार में बड़ी, संख्या में कम, और ईयोसिन के साथ क्या होती है, ये धनात्मक अभिरंजन प्रदर्शित करती है। दूसरी जो कोशिकाएं होती है वो होती है छोटी। अब देखिए ये बड़ी है तो दूसरी कोशिकाएं क्या होगी, छोटी ईयोसिनोफिल कोशिका। अब देखिए छोटी ईयोसिनोफिल कोशिका, अब देखिए यह आकार में क्या है, छोटी है। यह इसका जस्ट ऑपोजिट होगी, मतलब यह आकार में छोटी होगी तो संख्या में क्या होगी, अधिक। आकार में छोटी और संख्या में क्या है, अधिक है। और यह भी क्या होगा कि सामान्यतः यह भी क्या है, धनात्मक अभिरंजन दर्शाएगी, अर्थात धनात्मक अभिरंजन प्रदर्शित करती है। लेकिन अब जो तीसरी जो कोशिकाएं होगी वो होगी अमीबीय कोशिकाएं। अब हम जानते हैं अमीबा की आकृति क्या होती है, वो अनियमित होती है, अर्थात अनिश्चित होती है। इसीलिए इन कोशिका की जो आकृति होगी वो कोई फिक्स नहीं होती है। इसीलिए ये कोशिकाएं अमीबी आकृति, अमीबी प्रकार की होती है, और इनकी आकृति कह सकता हूं या आकार कहता हूं वो निश्चित नहीं होता है। इसीलिए इनको अमीबीय कोशिका कहते हैं। और अमीबीय कोशिका क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इन अमीबीय कोशिकाओं का नाम अमीबा से पड़ा है, और अमीबा को अपने फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं। चौथी जो कोशिकाएं होती है वो होती है ग्राही कोशिकाएं। ग्राही कोशिकाएं, देखिए ग्राही कोशिकाओं का मुख्य कार्य क्या होता है, वातावरण से जो भी, वातावरण से जीव जहां भी रह रहा है उनसे बाहर से जो भी सूचनाएं होती है उनको प्राप्त करने का जो कार्य करती है वो ग्राही कोशिकाएं करती है। अर्थात ग्राही का अर्थ होता है ग्रहण करना, अर्थात बाहर से जो भी सूचनाएं होती है उसको ग्रहण करने का जो कार्य करती है वो कौन करती है, ग्राही कोशिकाएं। पांचवी होती है तंत्रिका कोशिकाएं। तंत्रिका कोशिकाएं, अब देखिए ग्राही ने सूचना ग्रहण कर ली, लेकिन इस सूचना को तंत्रिका तंत्र तक पहुंचाना है तो ये सूचना शरीर के अंदर तंत्रिका तक ले जा, अंदर तक ले जाने का जो कार्य करती है वो कौन करती है, तंत्रिका कोशिका। अर्थात ग्राही ने कोई संदेश ग्रहण किया उसको शरीर के अंदर तक ले जाने का जो कार्य करती है वो कौन करती है, तंत्रिका कोशिकाएं। और लास्ट होती है बड़ी रिक्तिका कोशिका। बड़ी रिक्तिका कोशिका, अर्थात यह कोशिकाएं आकार में बड़ी होती है और कुछ कुछ विशेष स्थानों पर पाई जाती है। तो आज जो हमने क्लास थी उसमें हार्डमानिया का सामान्य परिचय पढ़ा, उसके बाद हार्डमानिया में क्या क्या विशेषताएं होती है उसके बारे में पढ़ा, और हमने टेस्ट में एक कोशिकाएं थी जो विशेष प्रकार की कोशिकाएं उसको हमने आज चर्चा की। अब हमारी जो अगली क्लास होगी हम उसमें आगे के टॉपिक पर चर्चा करेंगे।